प्रज्ञाशील करुणा तथागत बुद्ध का मानवतावादी संदेश। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर का क्रांतिकारी विचार। यूसीएन बुद्धा की अनोखी पहल, एक कदम प्रबुद्ध भारत की ओर ले जाने के लिए होगा महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर लिखित बुद्ध और उनका धम्म इस महानतम ग्रंथ का विश्लेषण। भदंत धम्म सारथी के साथ जानेंगे सम्यक विचार। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। विश्व के पहले वैज्ञानिक महाकारुणिक तथागत बुद्ध, चक्रवर्ती सम्राट अशोक, भारतीय संविधान के निर्माता, बुद्ध एंड धम्मा ग्रंथ के निर्माता, पूरे विश्व ने जिन्हें बोधिसत्व का मान सम्मान दिया था, उसी प्रकार कोलंबिया विद्यापीठ में पूरे संसार के ज्ञानी लोग इकट्ठा होकर, जिनका सिंबल ऑफ नॉलेज ज्ञान का प्रतीक करके बहुत बड़ा सम्मान दिया था, ऐसे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। सभी महामानवों को मैं अभिवादन करता हूँ। यूसीएन बुद्धा देखने वाले, सुनने वाले सभी श्रावक संघ, सभी को नमो बुद्धाय, जय भीम। बिंबिसार राजा से राजगुरु में सिद्धार्थ से जो चर्चा हुई थी, संवाद हुआ था, उस संवाद में राजा बिंबिसार ने अपना मत प्रदर्शित करते समय कुछ बातें, कुछ सलाह दी थी। सिद्धार्थ गौतम ने भी उसके बाद उन्होंने अपना मत प्रदर्शित किया और मत प्रदर्शित करते हुए उन्होंने राजा बिंबिसार को जो कहा था, वह प्रसंग, वो बातें आपके सामने बताई जा रही है। उस समय मुख्य जो विषय था राजा बिंबिसार ने सिद्धार्थ के सामने रखा था, वो विषय था कि काम, अर्थ और धर्म ये जीवन में महत्वपूर्ण बातें हैं। तीन बातें बताई थी उन्होंने। बताया था कि जो लोग युवावस्था में रहते हैं, उन्होंने एंजॉयमेंट करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, मौज करना चाहिए, क्योंकि ये जो उम्र होती है, ये जो अपना वयोमर्यादा होती है, वो उसी लिए है कि मौज करे, आनंद ले, उपभोग ले। जो जो चीज़ों का हम उपभोग लेना चाहते हैं, वो चीज़ों का उपभोग युवावस्था में अवश्य लेना चाहिए। इस तरह से
बातें बिंबिसार राजा ने सिद्धार्थ को बताई थी। दूसरी बात उन्होंने कही थी कि युवावस्था जाने के बाद जो मध्यम अवस्था आती है उस समय मनुष्य ने धन की प्राप्ति करना चाहिए और बुढ़ापा जब आता है वृद्धावस्था आती है उस समय उन्होंने धर्म का काम करना चाहिए, जो उस समय धर्म का सर्वश्रेष्ठ जो कार्य माना जाता था वो था यज्ञ करना और यज्ञ में पशुओं की बलि देना, ये पुण्य का काम समझा जाता था। और जो राजाओं द्वारा ये यज्ञ किए जाते थे और उस यज्ञ में बहुत से जीवित प्राणियों का बलि दिया जाता था और वो इसलिए किया जाता था कि उसमें धर्म की मान्यता थी, रिलीजन की मान्यता थी कि ये बातें करना पुण्य का काम है। इस तरह से उनकी चर्चा चल रही थी। सिद्धार्थ ने उसे जवाब दिया कि सिद्धार्थ कहते हैं कि जो काम है, काम यानी जो विषय है, आदमी जिसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है, परिश्रम करता है, वो विषय अपना आनंद उसका विषय का उपभोग लेने के लिए जो लालायित होता है, वो जो विषय है वो दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो अर्थ है संपत्ति है और दूसरा जो उन्होंने कहा कि यज्ञ में बलि देना चाहिए, इस पर सिद्धार्थ ने जो जवाब दिया वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सिद्धार्थ कहते हैं कि हे राजन, जैसे कि आपने कहा है कि धर्म अर्थ और काम ही मनुष्य के तीन उत्कृष्ट लक्ष्य हैं, और आपका यह भी कहना है कि मैं जिसकी खोज कर रहा हूँ वह दुख है, तो आपके तीनों लक्ष्य भी नाशवंत है और असंतोषजनक है। सिद्धार्थ का कहना ये था कि ये जो चीज़ें हम जिसके लिए काम भोग की चीज़ें हम कितनी भी अच्छी चीज़ें इकट्ठा कर ले और कितना भी उसके ऊपर आकर्षित हो जाए फिर भी ये सब चीज़ें नाशवंत है, अस्थिर है। अपने जीवन से में जैसी ये चीज़ें आई वैसी अपने जीवन से चले जाने वाली है, ये स्थिर नहीं, इसका स्वरूप बदलने वाला है, उसका रूप बदलने वाला है, इस तरह से ये नाशवंत चीज़ें हैं। जैसे कोई विवाह करने के लिए एक अच्छी सुंदरी का चुनाव करता है, अच्छे होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, दिखने के लिए अच्छे होना चाहिए, लेकिन कुछ दिन के बाद उसका जो आकर्षण है वो चीज़ के प्रति धीरे धीरे कम हो जाता है, क्योंकि सौंदर्य जो है जैसे जैसे आदमी की उम्र बढ़ती जाती है बुढ़ापे में अपने आप सौंदर्य जो है कम हो जाता है और एक दिन
सौंदर्य पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। जिस भुजा पर, जिस बाहु पर हम आकर्षित होते हैं, अंत में पूरी हड्डियाँ निकल जाती है, मांस ऊपर का पूरा ढीला हो जाता है। जिस घुंघराले बाल पर हम आकर्षित होते हैं, वो धीरे धीरे सफ़ेद होने लगते हैं और फिर बाल झड़ने लगते हैं। इस तरह से वो भी नाशवंत है। हर चीज़ शरीर की धीरे धीरे उसका जो प्रभाव होता है, उसका जो आकर्षण होता है, वो आकर्षण कम हो जाता है। पैर की हड्डी दिखने लगती है, चेहरा एक पूरा हड्डी के समय चेहरा भी हो जाता है। सीधा अपन खड़ा नहीं रह सकते, हमसे ठीक से चलना नहीं होता। ऐसी सारी चीज़ें जो होती है, इसका मतलब जो है, हम जो जिस चीज़ पर आकर्षण हुए थे, आकर्षित हुए थे, अंत में वो चीज़, उसमें जो आकर्षण था, अट्रैक्शन था, वो अट्रैक्शन कम होते गया और वो अंत में हम संतोषजनक नहीं रहे, हमारा उससे सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है और वो नाशवंत तो हो रहा है। उसी प्रकार जो अर्थ है, पैसा है, पैसा कितना भी कमाओ, लेकिन वो पैसा आपको सहाय करेगा? हर चीज़ के लिए पैसा लगता है, ऐसा नहीं कि पैसा नहीं लगता है। कोई भी काम पैसे के बगैर, संपत्ति के बगैर कोई काम होता नहीं। लेकिन हम देखते हैं कि जब बुढ़ापा आ जाता है और हमने कितना भी प्रॉपर्टी कमा के रखा, लेकिन वो प्रॉपर्टी का मालिक कोई दूसरा बनेगा और बुढ़ापे में हमें कुछ जो सुख चाहिए, वो सुख हमें प्राप्त होगा या न होगा, इस बारे में हम बता नहीं सकते। धन भी बदलते रहता है, पैसा भी, संपत्ति भी बदलते रहती है। कभी जो गरीब लोग हैं, वो गरीब से दूर होकर अमीर बन जाते हैं, और कभी अमीर जो है, धनवान लोग हैं, वो परिस्थिति के अनुसार गरीब हो जाते हैं। ये भी धन जो है, संपत्ति, वो भी अस्थिर है। इसके बारे में इसके पहले बताया कि तुम्हारी संपत्ति तुम्हें अंत में, जीवन के अंत में सुख देगी, ऐसा नहीं। संपत्ति भी हमारे लिए कभी कभी पीड़ा बन जाती है। इस तरह से, और आखिरी जो है कि जो धर्म है, बलि देना, ये भी जायज़ नहीं है, प्राणियों का बलि देना। इसके बारे में फिर बाबा साहब ने आगे लिखा है। बाबा साहब आगे लिखते हैं कि जब मृत्यु आता है किसी को, तो आयु देखता नहीं, उसकी उम्र कितनी है ये नहीं देखता। मृत्यु जो है कभी भी किसी को भी आ सकता है, इसलिए हम ये न सोचें कि हमारा युवावस्था कितने दिन टिकेगी, हम कितने दिन जीवित रहेंगे, ये हम बोल नहीं सकते। इसका निश्चित कोई आयु मर्यादा नहीं है, मौत आती है, सब कुछ लेके जाती है। इस तरह से मौत आती है तो सब कुछ लेके जाती है। इस तरह से उन्होंने जवाब दिया। आगे चल के वो जवाब देते हैं धर्म के बारे में। सिद्धार्थ कहते बिंबिसार राजा से कि आपका जो कहना है कि मैं धर्म के लिए बलि करने में अप्रमादी बनूं, क्योंकि यह मेरे कुल के अनुकूल है,
तो बिम्बिसार राजा सिद्धार्थ को कहते हैं कि तुम धर्म का काम करो, इसका मतलब है तुम यज्ञ करो और यज्ञ में जीवित प्राणियों की बलि दो, ये तुम्हारे कुल के अनुसार है। क्योंकि वो सिद्धार्थ ये क्षत्रिय कुल के थे, राजा कुल के थे, राजघराने से थे, इसलिए बिम्बिसार राजा भी एक राजा थे। तो उनको कहते हैं कि यज्ञ करना और बलि देना ये तुम्हारे कुल के अनुसार है, इसलिए तुम करो, प्रमादी बनो, और क्योंकि यह मेरे कुल के अनुकूल है, सफल है, फलदायी है, तो मैं ऐसे बलि के फल को नहीं चाहता जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो इसके लिए सिद्धार्थ जो जवाब देते हैं वो जवाब अच्छा है, कि कहते हैं कि मैं ऐसे कार्य को नहीं करूंगा कि जो चाहे मुझे कितना भी फल अच्छा मिले, लेकिन मैं ऐसे कार्य को नहीं करूंगा कि जो किसी हत्या करके अगर फल प्राप्त होता है, किसी की हत्या करके, किसी की जान लेकर के, तो किसी को पीड़ा पहुंचाने के बाद में हमें कोई फल मिलता है, तो ऐसे फल को मैं नहीं चाहूँगा। तो हमें जो यहाँ से एक सीख मिलती है, एक शिक्षा मिलती है, कि बहुत से लोग अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए, स्वार्थ की पूर्ति करने के लिए दूसरे को पीड़ा हो या दूसरे का कितना नुकसान होता है उसके बारे में कभी सोचते नहीं, वो सिर्फ अपने स्वार्थ का काम करते हैं। लेकिन बुद्ध धम्म के अनुसार ये कहा गया कि जो दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं और पीड़ा पहुंचाने के बाद में जो भी हमें फल मिलता है, तो ऐसे फल की हमें आशा नहीं करना चाहिए, ऐसे कार्य नहीं करना चाहिए। सिद्धार्थ कहते हैं कि किसी भावी फल के लिए, यानी किसी को भावी फल, यानी किस एक विचार है, भारत में एक विचार है, वो ऐसा विचार है कि मृत्यु के बाद भावी फल आपको मिलता है, भविष्य में जो फल मिलता है वो फल की आशा रखो, यानी ऐसा भी विचार है कि कुछ ऐसे काम करो कि इस जन्म में काम करने के बाद जो भावी जन्म में उसका फल अच्छा मिले, इसलिए इस जन्म में तुम अच्छा काम करो, ऐसा भी विचार भारत में है, पूरे विश्व में है। इसके लिए सिद्धार्थ उत्तर देते हैं, जवाब देते हैं कि किसी भावी फल के लिए, यानी भविष्य में मिलने वाले फल के लिए, एक निराग प्राणी की हत्या करना, एक निराग है वो, किसी को कोई परेशान नहीं करता, ऐसे प्राणी की हत्या करना यह किसी भी दयावान सहृदय मनुष्य के योग्य नहीं है, चाहे फिर उसका फल कितना भी अच्छा हो, भविष्य में कितना भी अच्छा फल मिलता हो, लेकिन वो फल को मैं नहीं चाहूँगा कि किसी की हत्या करके, किसी को पीड़ा दे करके, किसी का नुकसान करके, जो हमें इसी जन्म में या फिर भविष्य में, भावी जन्म में भी अगर कोई फल मिलता हो, तो बुद्ध धर्म में इस फल को कोई महत्व नहीं है, और वो फल को
इस तरह के फल को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि सच्चा धम्म कैसा होना चाहिए, इस बारे में यहाँ पे लिखा है कि सच्चा धम्म ये नहीं है कि निरागर प्राणी की हत्या करो, हत्या करके जो फल हमें प्राप्त मिलता उसको स्वीकार करो, ये नहीं है। तो उन्होंने आगे कहा कि सच्चा धम्म ये है कि सच्चा आचरण ये है, सदाचरण ये है, जिसको रूल ऑफ कंडक्ट कहते हैं कि जो हमारा व्यवहार जो है उसके व्यवहार का नियम ये है कि स्वसंयम यानी अपने मन पे नियंत्रण रखो, मन पर संयम रखो। दूसरा उन्होंने कहा कि नैतिक आचरण मॉरल प्रैक्टिस, जो भी हम दूसरे से व्यवहार करते हैं वो व्यवहार मॉरल होना चाहिए। मॉरल प्रैक्टिस का नैतिक जो आचरण है उसका जो मतलब यह है कि तुम्हारे आचरण में जो दूसरे के साथ किया जाता है उसमें बंधुभाव हो, मैत्री हो, भाईचारा हो, उसको कहते हैं कि नैतिक आचरण, उसको कहते हैं नैतिक आचरण। तो ये बातें, और तीसरी बात बताए कि कामनाओं का अभाव यानी किसी प्रकार के मन में कामना नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार का दुराग्रह नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार की अतिरिक्त तृष्णा, द्वेष और जो मोह, ऐसी चीज का अतिरिक्त नहीं होना चाहिए। अगर कोई कहेंगे कि ये काम उतना अच्छा नहीं है तो बलि देना सबसे ठीक है, अच्छा है, इसके उसका उत्कृष्ट फल मिलता है। तो सिद्धार्थ कहते हैं कि मैं उस फल को नहीं चाहूँगा। उसके बाद में दूसरी बात कहते हैं कि दूसरों को दुख देकर इस संसार में मनुष्य भले ही सुख प्राप्त हो तो भी वह एक बुद्धिमान मनुष्य के लिए निंदनीय है। ये बात कहते हैं कि दूसरे को दुख देकर, दूसरे को परेशान करके, दूसरों को पीड़ा दे करके अगर मनुष्य को कोई सुख प्राप्त होता है, वो महसूस करता है, सुख प्राप्त करने का प्रयास करता है, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति करता है, तो वो उसका जो कार्य है वो कार्य निंदनीय है, उस कार्य की निंदा करना चाहिए। इसके बाद में उन्होंने कहा कि सिद्धार्थ स्वयं कहते हैं कि मैं भावी जीवन के फल के प्रलोभन में ऐसे कर्म को नहीं कर सकता। हे राजन, मेरा मन भावी जीवन के सुख के लिए प्रसन्न नहीं होता, क्योंकि ऐसे कर्मों की दशा बादलों से गिरी हुई वर्षा से प्रताड़ित पौधों की तरह अनिश्चित और डावाडोल होती है। कि जो भावी जीवन के प्रलोभन के लिए जो कार्य करते हैं, भावी जीवन का मतलब है कि ये जन्म से के बाद में दो अगला जन्म मिलने वाला है, तो बहुत से ऐसा विचार है कि भावी जन्म के लिए कर्म करो, इस जन्म में ऐसा कर्म करो कि तुम्हारा भावी जन्म में इसका फल मिले
और तुम्हारा भावी जीवन, भविष्य में जो होने वाला जीवन है तुम्हारा, वो सुख से रहे, उसमें भावी जीवन में भी आपको सुख प्राप्त हो, इस तरह की भी विचारधारा है, ऐसे भी लोग सोचते हैं। लेकिन सिद्धार्थ का कहना ये है, उन्होंने क्लियर उस बात का निराकरण किया कि मैं ऐसे सुख में प्रसन्न नहीं रहूँगा, मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए, ऐसे कर्म मैं नहीं करूँगा कि जो कर्म से भावी जीवन के लिए, भावी जीवन के फल के लिए कारगर होता है, ऐसे कर्म की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे कर्म जो होते हैं जो भविष्य अनिश्चित होता है, हमारा भावी जीवन कहाँ है, कौन से रूप में है, कैसा होगा, ये कोई बता नहीं सकता। लेकिन बहुत से हमारे धर्म ग्रंथों में ये चीज़ें लिखी है कि जैसे जिस तरह से अवतारवाद कहा जाता है कि ये इसके बाद में इसका इस अवतार में वो जन्म लिया है, इस अवतार में काम किया है, ऐसी भी विचारधारा है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर इस तरह की विचारधारा को मान्य नहीं करते, इस तरह की विचारधारा को स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो क्यों नहीं स्वीकार करते कि किसी की भविष्यवाणी या भावी जीवन के लिए हम काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम बता नहीं सकते कि हमारा भावी जीवन, अगला जन्म कैसा होगा, क्या होगा, इसके बारे में निश्चित ही नहीं रहती। इसलिए जो कुछ कर्म करना है, जो भी काम करना है, इसी जन्म में करो और इसी जन्म के लिए करो, ताकि इसी जन्म में, इसी पृथ्वी पर हम अपने कर्मों द्वारा अपना भी कल्याण कर सके और औरों का भी कल्याण कर सके। ये भावना, ये विचार बुद्ध धर्म में माना जाता है। इसलिए ये सब बातें जवाब के तौर पर बाबा साहब आम्बेडकर ने यहाँ पर बुद्धायन धर्म में दी है। हम इस पर अवश्य चिंतन करें, विचार करें कि हमें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, भावी जीवन के लिए काम करना है या इसी वर्तमान स्थिति में, इसी जीवन पर, इसी पृथ्वी में हमें मानव कल्याण के लिए काम करना चाहिए। इस बारे में आप चिंतन करेंगे, ऐसे मैं आपसे आशा रखता हूँ और अपने धम्म देशना को यहाँ पर विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भारत।